फार्मडी 6 ईयर्स का एक पोस्ट डॉक्टोरल कोर्स। काफ़ी सारे बच्चों का मानना है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कोर्स है, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग कोर्स है। इस कोर्स के अंदर हम काफ़ी सारे अच्छे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री और ज्यूरिसप्रूडेंस। अब ज्यूरिसप्रूडेंस अपने आप में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और फार्मेसी के अंदर इस सब्जेक्ट का होना अपने आप में एक खास बात है। फार्मडी के अंदर हम काफ़ी सारे प्रैक्टिकल वर्क्स करते हैं, जैसे एनालिसिस करना अलग अलग ड्रग्स की कि हमें कौन सा ड्रग्स दिया गया है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल के राउंड्स लगाते हैं हम डॉक्टर्स के साथ, कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट्स के साथ उनकी मेडिसिन के बारे में। ये कोर्स 6 साल का है, और पहला साल कंपेरेटिवली आसान होता है सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से या फिफ्थ ईयर से। फर्स्ट ईयर के अंदर हम बेसिकली केमिस्ट्री की बात करते हैं, फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं, हम अलग अलग मेडिसिन को बना रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम कैलामाइन लोशन अपने फर्स्ट ईयर में सीख लेते हैं। अब कैलामाइन लोशन की स्टोरी अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पेसल मोटर की मदद से जब हम उसे बना रहे होते हैं कैलामाइन लोशन को, तो उसमें से वो साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे हम समझ पाते हैं कि ये कैलामाइन लोशन हमारा बन चुका है। फर्स्ट ईयर काफ़ी आसान होता है और हम काफ़ी नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और फार्मेसी को हम जान रहे होते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हम हॉस्पिटल वार्ड्स में राउंड्स लगाते हैं, हम पेशेंट्स के केसेस को कलेक्ट कर रहे होते हैं, और हम अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं। बेस्ट पार्ट है सेकेंड ईयर का कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करके चीज़ों को सीख रहे होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एज अ फार्मडी स्टूडेंट। सेकेंड ईयर कम्प्लीट होने के बाद हम अपने थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर एक बैटल होती है थ्योरीज और प्रैक्टिकल क्लासेस की। थर्ड ईयर में हमारे पास 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 5 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर हम एनालिटिकल मेथड सीख रहे होते हैं ड्रग्स के। ज्यूरिसप्रूडेंस भी हमारा थर्ड ईयर में आ जाता है। अब काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि भैया ये तो काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट होता है, ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर हमें काफ़ी सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस पढ़ने होते हैं। लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम करियर के परस्पेक्टिव से ज्यूरिसप्रूडेंस को देखते हैं, तो जिनको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। थर्ड ईयर कम्प्लीट होने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर काफ़ी क्रूशियल ईयर माना जाता है फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए। फोर्थ ईयर के अंदर हम हॉस्पिटल बेस्ड काम करते हैं, हमें हफ्ते में 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में ही काम करना होता है। हमें एक्सपोजर मिलता है वहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी का, हॉस्पिटल फार्मेसी का। हम अलग अलग केसेस को कलेक्ट कर रहे होते हैं, मेडिकेशन एरर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और बेस्ट पार्ट पता है क्या, हम फोर्थ ईयर के अंदर अपने नीश इंटरेस्ट को फाइंड कर लेते हैं। नीश इंटरेस्ट क्या होता है, अब हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको इंटरेस्ट है, या फिर क्लिनिकल फार्मेसी में आपको इंटरेस्ट है, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपको किसी और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, वो लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना फाइंड कर लेते हैं फोर्थ ईयर में। और फोर्थ ईयर क्रूशियल ईयर भी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम डोजेज फॉर्म्स, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोथेरेप्यूटिक्स जैसे टॉपिक्स को कवर करते हैं। फोर्थ ईयर कम्प्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ ईयर में। इसे हम लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 6th ईयर हमारी इंटर्नशिप की होती है। तो यहाँ पर हम लेक्चर्स की जब बात करते हैं, तो हमारा 5th ईयर लास्ट ईयर माना जाता है। 5th ईयर के अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ में 6 महीने की क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट होती है। अब वो 3 सब्जेक्ट कौन से होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माको एपिडेमियोलॉजी एंड फार्माको इकोनॉमिक्स, और तीसरा है क्लिनिकल फार्माको काइनेटिक्स एंड फार्माको थेरेप्यूटिक्स ड्रग मॉनिटरिंग। इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा हमें 6 महीने यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट को देने होते हैं। हमारा स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है जिसमें एक गाइड भी होता है, और हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। 5th ईयर का बेस्ट पार्ट है कि हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ में सीख भी रहे होते हैं। हम अपने काम को पब्लिश कर सकते हैं किसी भी रेप्यूटेड जर्नल के अंदर। ऐसे हमारा 5th ईयर ख़त्म होता है, और हम आ जाते हैं अब अपने लास्ट ईयर में, 6th ईयर। 6th ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि 6th ईयर हमारा एग्ज़ाम है पूरे 5 सालों का। ये है इंटर्नशिप पीरियड, 12 महीने की इंटर्नशिप, जिसमें हम इसे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। 6 महीने का इंटर्नशिप होता है जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर, और उसके बाद 3 डिपार्टमेंट्स में होती है 2-2 महीने की इंटर्नशिप, जिसमें 2 महीने सर्जरी को हो जाते हैं, 2 महीने पेडियाट्रिक्स और 2 महीने OBG। लेकिन पोस्टिंग डिपेंड करती है अलग अलग हॉस्पिटल में। अब किस हॉस्पिटल के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके कॉलेज में डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है OBG का, आपके पास डिपार्टमेंट अवेलेबल है डर्मा का या फिर ऑर्थोपेडिक का, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वेरी करते हैं। इनके अलावा और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, डर्मा, ऑर्थोपेडिक्स एटसेट्रा।
और अब इन 12 महीनों की इंटर्नशिप के बाद एक सेरेमनी होती है, सेरेमनी ऑफ ग्रेजुएशन। सेरेमनी ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर आप सेलिब्रेट करते हो अपनी फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। आपको आपकी डिग्री मिलती है और उसके बाद आपकी फेयरवेल होती है। ये मोमेंट अपने आप में बहुत खास है। लेकिन अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी की, तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन डाला था और आप सभी ने उसका काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया और मैं समझ भी गया हूँ। अब पॉइंट यहाँ पर मेरा ये है कि फार्मेडी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, और अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स बन के आ जाता है, जहाँ पर आप डिफ़िकल्टी को देखते भी नहीं। तो ये डिपेंड करता है हमारे ही पर्सपेक्टिव से कि हम किस पर्सपेक्टिव से इस कोर्स को देख रहे हैं। हमें अपना इंटरेस्ट बनाना होगा इस कोर्स के अंदर, और जितना हम इस कोर्स के बारे में जानेंगे उतना इससे इंटरेस्ट हमारा बनता रहेगा। तो चाहे अभी आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, या फिर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, या फिर इंटर्नशिप पीरियड में, फार्मेडी के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इससे जानने की जो आपकी क्यूरियोसिटी है, यही आपको खास बनाती है। अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि मुझे क्या करना है फार्मडी के बाद, तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। और अगर आपके पास ये क्यूरियोसिटी है कि आप क्या करना चाहते हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने वाली हैं, तो आप एक यूनिक स्टूडेंट हो। ये तो बात हो गई जर्नी की, एक स्टूडेंट की जर्नी जो कि फर्स्ट ईयर से सिक्स्थ ईयर तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद आपके कदम अब इस कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। अब आप एक रियल वर्ल्ड को देखते हो जहां पर आपके पास ढेर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे और जिनको लगेगा कि उनके पास अभी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उनका माइंड ब्लैंक हो जाएगा कि मुझे अब आगे क्या करना है, आगे कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आगे कौन सी जॉब्स, कौन सी कंपनीज में मैं काम कर सकता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज होने लग जाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ये इस वीडियो का पार्ट वन था। पार्ट टू आने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अब आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है, अब आप कॉलेज से बाहर आ चुके हो, अब आपका इंट्रैक्शन होता है एक रियल वर्ल्ड से, जहाँ पर आपको अपना करियर अब चूज़ करना है, आप क्या करने वाले हो फ्यूचर में। देखते हैं पार्ट टू में। तब तक के लिए धन्यवाद।